हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। सबसे मेन पसंद ये आएगा कि जो भ्रूण हत्या होती है हरियाणा के अंदर होती थी, उसको अभी तो खैर रोकथाम लगा दी गई है, बट आज भी हो रही है। उसके अंदर ये सारा दबंगाई का ही खेल था जो भ्रूण हत्या होती थी। आपके बगल में खूबसूरत सी अभिनेत्री बैठी हैं, इनका परिचय कराना चाहेंगे? ये रियासो बाजी हैं, जो मेरी सलामे कलाम की एक्ट्रेस हैं। रिया जी, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है आज एक साथ दो फिल्मों का मुहूर्त शर्मा जी द्वारा किया गया, आपको भी मौका मिला है इस लीड किरदार निभाने का,
सलाम कलाम में तो क्या कुछ कहना चाहोगे? मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं शर्मा जी के साथ काम कर रही हूँ, सबसे बड़ी तो, और मैं उन्होंने मुझे समझा इस काबिल कि मुझे लीड रोल में काम दिया। कितना प्रिपेयर किया है अपने आप को आपने फिल्म के लिए, और बहुत सारी चुनौतियाँ भी होंगी आपके लिए, तो क्या कहना चाहोगी? ऐसी कोई चुनौतियाँ तो नहीं है, हालांकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी के। सलामे कलाम की बात करें तो थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन आप देना चाहें दर्शकों को, कैसी फिल्म है ये? कलाम जी के ऊपर है पूरी फिल्म, और आज के टाइम में वैसे मतलब जो भ्रष्टाचार हो रहा है उनके टाइम में और आज के टाइम में बहुत फर्क हो चुका है, तो सारा ये पॉलिटिक्स जो खेल है यही दिखाया जा रहा है इसके अंदर कि आजकल अपनी कुर्सी के लिए क्या कर देते हैं, और उस टाइम पर कलाम जी ने देश के लिए क्या किया। फिल्म की शूटिंग की बात करें तो कहाँ पे फिल्म शूट होने वाली है और कब तक दर्शकों के बीच पहुँच पाएगी? ये बहुत जल्द हम फ्लोर पे जा रहे हैं इस फिल्म को लेके, और इसका गोवा से स्टार्टिंग होगी, गोवा, यूपी और हरियाणा। गाने कैसे होंगे फिल्म में और कौन कौन गायक होगा, बड़े चेहरे भी होंगे या फिर क्या? हाँ, अभी उनका कास्ट करना बाकी है। और रिया जी आप बताएं, कहानी के बारे में कुछ आइडिया आपको है, फिल्म की स्टोरी क्या है? सर मुझे अभी तक तो ऐसी कोई खास कहानी बताया नहीं गया है, बस टाइटल से मुझे लगता है कि मूवी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। सर दबंग हरियाणा के बारे में कुछ बताइए, ये किस तरह की फिल्म है? ये वहाँ के सारे तो अधिकतर तो मेंटेलिटी पूरी हुई की दिखाई जा रही है इसके अंदर, और जिस हिसाब से हरियाणा के अंदर आज भी दमगाई है, ऐसा नहीं है कि वहाँ दमगाई नहीं है, हर आदमी आज के टाइम में अपने आप को दबंग समझता है वहाँ पे, जहाँ तक कि अभी मोदी सरकार आने से थोड़ा ये फर्क पड़ा है कि पुलिस वालों की थोड़ी बहुत इज्जत है, पहले तो पुलिस वालों की भी इज्जत नहीं की जाती इस सारा से। आप भी हरियाणा से हो? हाँ मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा से हूँ, बट क्या है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो देख के तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ हरियाणा में भी होगी और राजस्थान में भी होगी। तो कुछ स्टार कास्ट के बारे में बताइए। स्टार कास्ट अभी बाकी है, इसका बहुत जल्द हम तैयारी कर रहे हैं, पहले स्टार्टिंग रहेगा हमारा सलामे कलाम, इसको हम जनवरी में ही कोशिश कर रहे हैं कि पूरे फ्लोर पे लेके जा रहे हैं। थैंक यू। में आपका किरदार नजर आ रहा है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? एक्चुअली मैं पहले भी फिल्में कर चुका हूँ, मेरी फर्स्ट फिल्म दिल दीवाना बिन सजना के माने ना भोजपुरी फिल्म है, जिसमें मैंने मेन लीड किया था और वो फिल्म रिलीज हो चुकी है। दूसरी एक फिल्म आ रही है दुल्हनिया लंदन वाली, और थर्ड फिल्म हमारे डायरेक्टर साहब हैं अमिताभ जी, उनकी फिल्म है, उसमें लीड कर रहा हूँ। यारा तू है मेरे लिए भोजपुरी फिल्म है, और इस तरीके से कई फिल्में कर रहा हूँ। और 6 महीने पहले हमें जो है पीके जी से मुलाकात हमारी हुई, और फिर उन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया तो मुझे अच्छा लगा, और मैं उसके बाद इनके साथ जुड़ा, फिर बाकी आगे देखते हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं इसके? भले आपने भोजपुरी में माना कि कई फिल्मों में आपने लीड एक्टर का काम किया है, ये आपके लिए चुनौती नहीं होगी क्योंकि एक हरियाणा फिल्म है? चुनौती सर मेरे लिए चुनौती नहीं है क्योंकि एक्चुअली मैं भोजपुरी नहीं हूँ, भोजपुरी लैंग्वेज मेरी मदर टंग नहीं है, मैं अवधी हूँ, अमिताभ बच्चन के गाँव का हूँ, इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ, सिर्फ वर्क करता हूँ भोजपुरी में 15 सालों से, इसलिए मुझे भोजपुरी वर्क करते करते आ गई, नहीं तो एक्चुअली मैं अवधी हूँ और हिंदी मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। इस फिल्म के बारे में सर स्टोरी के बारे में तो हम ओपन नहीं कर सकते हैं, अगर हम ये ओपन कर देंगे अभी से ही तो हमारी सीक्रेट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। हाँ बताया गया है, कमर्शियल फिल्म है और सलामे कलाम कलाम जी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से है। दूसरी फिल्म दबंग हरियाणा जो हरियाणा बेस्ड फिल्म है, वहाँ का जो स्टाइल है कड़क आवाज़ वाली, मिठास में भी कड़क होती है, वो सारी चीज़ें अलग क्वालिटी में फिल्म लाने का प्लान है, अब ये पीके जी के ऊपर है। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में कुछ बताइए। प्रोड्यूसर सर के बारे में क्या बताऊं, सर के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते भी हैं, और दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, कुछ लोगों अच्छे लगते हैं और कुछ लोग बुरे लगते हैं, समझ रहे हैं? तो पीके जी मुझे लगे कि हाँ नहीं करना चाहिए साथ में मिलके, तो पीके जी ने मुझे ऑफर दिया, मैंने हाँ बोला और यहाँ तक हम आज पहुँच चुके हैं। इंशाल्लाह महीने दो महीने में आपको डेट भी कंफर्म हो जाएगी,
और बाकी जो है एज ए डायरेक्टर एक फिल्म मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ और एक फिल्म हमारे अमिताभ जी डायरेक्ट कर रहे हैं दबंग हरियाणा, और सलामे कलाम मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं डायरेक्टर भी हूँ। मैंने जो अपनी पहली फिल्म बनाई थी एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए एक्टर मैंने खुद किया था, और इसलिए उन्होंने बोला कि आप इस फिल्म को, एक फिल्म को आप करिए, तो मैंने बोला ठीक है कर लेंगे। लेकिन बहुत दिक्कतें होती हैं, एक एक्टर और डायरेक्टर सब कुछ करता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ें। ऑलरेडी फिल्म बना के रिलीज़ कर दिया, प्रूव कर दिया, मार्केट में लोगों को पता हो जाए, बस यही चीज़ है। दुनिया में हर लोगों को प्रूव करना पड़ता है कि मैं एज ए डायरेक्टर हूँ, एज ए एक्टर हूँ, एज ए प्रोड्यूसर हूँ, जो भी है आप प्रूव करें ऑटोमेटिक आपका काम होगा। जी सलामे कलाम में लीड एक्टर कौन है और आपके साथ, अगर आप हैं तो आपके साथ कोई एक्ट्रेस कौन होगी? सलामे कलाम में मैं हूँ और ये रिया जी हैं और बाकी स्टार कास्ट पीके जी के ऊपर है, किसको फाइनल करेंगे। मार्केट के लोगों की भी बातचीत चल रही है, अब फाइनल क्या होता है वो तो आने वाला समय बताएगा। आपके खिलाफ खलनायक कौन होगा फिल्म में? इसकी कुछ अब सर टोटल तो हम बता नहीं सकते हैं, वो हमारा कास्टिंग जो है वो सर के हाथ में है, और एक सर और है उनका नाम नहीं जानता, वो भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो क्योंकि पहली बार हम इस टीम से मिले हैं तो ज़्यादा नॉलेज है नहीं। वैलेंटाइन डे आ रहा है तो रिया के साथ कुछ सुनहरे पल फिल्म का दर्शकों के बीच बोलेंगे तो हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी इनसे पहली मुलाकात है और वो तो सेट पे पता चलेगा कि वैलेंटाइन डे कैसा रहेगा और क्या रहेगा, तो इसके बारे में अभी हम कुछ बता नहीं सकते। नहीं फिर भी रिया और जुबेर की जोड़ी जो है फिल्म में दर्शक देखेंगे तो उन्हें क्या अलग मिलेगा? उस प्लेन में जोड़ी तो बहुत अच्छी होगी, कहानी के हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि जोड़ी बहुत अच्छी होगी। सी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट यू कन्फर्म दैट कि मुझे लास्ट नाइट ही कॉल मिला है इस प्रोजेक्ट के बारे में, और चंचल जी ने मुझे फ़ोन किया कि एक प्रोजेक्ट है जो आपको करना है। सो आई एम एसोसिएट डायरेक्टर इन दिस फिल्म एंड बहुत सारे मूवीज, तो सी फिलहाल तो मुझे स्टोरी लाइन अभी कुछ मिली नहीं है। सो आई एम एक्साइटेड द वन ऑफ द बंच ऑफ लाइन जो टाइटल दिया है सलामे का, एंड सेकेंड द ये दबंग जो दिया था, दबंग इट मीन्स कि लाइक जैसे अभी सबको देख रहे हैं मार्केट दबंग 3 आ चुकी है, शायद सब लोगों ने देख भी लिया होगा, तो ये शायद दबंग एज अ 4 लॉन्च होगी, बट वो एक अलग वे में लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। सो शायद बहुत यूनिक और एक्शंस होंगे, अच्छी मूवी होगी, ट्रांसलेट होगा, बहुत सारी चीज़ों को लेके हम उसके आएंगे और अच्छे व्यू अच्छे डायरेक्शन के साथ आएंगे जो पब्लिक को अच्छा लगे। सो बेसिक मेरा थॉट यही है कि हम अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छा अफोर्ड करेंगे, 100% देंगे जो कि आपको अच्छा लगे। जैसे उसके निर्देशन में फिल्म बनती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने प्रोड्यूसर पी के शर्मा जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी, और मैं अपने मित्र और एक्टर जुबेर अली जिन्होंने मुझे सरप्राइज़ किया है। ये फिल्म जुबेर जी ने ही मुझे फाइनल करा है एज ए डायरेक्टर, तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने काम में खरा उतरूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारी फिल्में की कर रखी है और इसको भी मैं अपने दिल से ही काम करूँगा और मेहनत करूँगा, जितना हो सके इसको अच्छा बनाऊँगा। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो कौन कौन सी? मेरी अपकमिंग प्रोजेक्ट है यारा तू है मेरे लिए, जो कि रिलीज़ होने वाली है, शंकर जय किसान। बाकी मेरी रिलीज फिल्में हैं देवर बिना अंगना, ना सुबह राजा, किया जब से लड़ा, बेजुबा मोहब्बत, और भी एक दो फिल्में। तो और हिंदी से आप कैसे जुड़े हैं, भोजपुरी सिनेमा आपने किया? मैं एक्चुअली भोजपुरी में आना मेरा अचानक से हुआ, मैंने अपनी शुरुआत दिल्ली से किया था एज ए लिरिक्स राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, और मैंने बहुत सारे लैंग्वेज में लिखा है, भोजपुरी, हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी, मैंने चारों भाषाएं में मैंने लिखे हैं। और भोजपुरी में आना तो अचानक से हुआ, क्योंकि जिस टाइम मैं हिंदी और पंजाबी के ट्रैक पे था उस टाइम अचानक से हिंदी और पंजाबी के एल्बम आना बंद हो चुका था, फिर जरिया था पैसा कमाना था, नाम कमाना था, तो भोजपुरी का रास्ता आसान दिखा। तो इसमें आप एक्शन एक्शन फिल्म में दबंग हरियाणा, बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि दबंग हरियाणा फिल्म का टाइटल है, तो दबंग ही तो दिखेगी हरियाणा की, और साथ ही साथ आपको हरियाणा की खूबसूरत कल्चर भी दिखेगा। लोगों ने तो नेगेटिव चीज़ें भी दिखाई, तो हम पॉजिटिव चीज़ें भी दिखाएंगे,
और इस फिल्म से एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश है जो कि दर्शकों को काफ़ी अच्छा लगेगा और सराहनीय काम है हमारे प्रोड्यूसर साहब का। सर आप मेरा नाम सुदेश कुमार है। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रोड्यूसर और मेरे दोस्त जुबेर अली जी को सलाम कहूँगा और अमिताभ जी डायरेक्टर जो हमारे हैं। आज हम इस फिल्म के अंदाज हमारे दोस्त को दोनों फिल्म मिली हुई है, दबंग हरियाणा और कला में ऐश। तो ये दोनों फिल्म के अंदर मेरे दोस्त एज ए लीड में आ रहे हैं और इसके बाद तो उनके अंदर कलाकारी इतनी है कि वो दुनिया को दिखा भी देंगे कि दबंग होता क्या है। आज दबंग बोले तो क्या हर इंसान को समझता है सलमान खान एक दबंग है, वैसे नहीं होता। हर कलाकार के अंदर एक कलाकारी छुपी होती है और उस कलाकारी आपको दिखाने के बाद पता चलेगा दबंग कौन है। आप कैसे जुड़े हुए? मैं बस मेरे दोस्त लोग हैं यहाँ पे जो आज यूपी। शुभकामनाएं दे रहे हैं किसी तरीके से? नहीं, मैं भी एक एक्टर हूँ, मेरी भी चार पांच, हाँ मैं भी एक्टर हूँ और मेरी भी चार पांच फिल्म, तो बहुत सारी फिल्म आ चुकी है, हिंदी मराठी भोजपुरी सबके अंदर मैंने दबंगगिरी की हुई है। तो इस फिल्म में क्या रोल है आपका? अभी तो मुझे पता नहीं इसमें क्या रोल है, लेकिन मैं मेरे दोस्त के साथ आया हूँ जिनको शुभकामना देने आया हूँ और प्रोड्यूसर साहब को मिलने आया था। अमिताभ जी, नया साल आने वाला है तो दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? दर्शकों से मेरा यही अपील है कि अच्छे से रहे, कोई ड्रिंक कोई पार्टी शार्टी ना करे, अच्छे से नए साल का स्वागत करे। और वो तो हमारे दर्शक के ऊपर है कि वो माने या ना माने, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम दर्शकों को बोलें कि ड्रिंक ना करें, अच्छे से नए साल का स्वागत करें। मेरा नाम रौनक सिंह है, एज ए एक्टर मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ और मुझे आज यहाँ पे बुलाया गया था। मैं बहुत खुश हूँ आज और बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारे जो बीके शर्मा सर हैं वे एक नया कलाकारों को एज ए एक्टर, जो हम जैसे एक्टरों को चांस नहीं मिलता बॉलीवुड इंडस्ट्री में या जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो उसके लिए एक जरिया है, एक मिसाल है मिस्टर पीके शर्मा सर। तो मैं एक नेपाली फिल्म कर चुका हूँ पर मुझे, अरे भाई नेशनल हीरो तो हर कोई बनता है, मुझे इंटरनेशनल हीरो बनने का चाह थी तो इसीलिए मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में आया। देखते हैं पीके शर्मा सर ने मेरे लिए क्या कैरेक्टर तय कर रखे, मेरा लुक, मेरा एटीट्यूड, मेरा पर्सनैलिटी, देखा उन्होंने मेरे लिए क्या कैरेक्टर में मुझे फिट करा रखे। सोशल मीडिया पे कितना आप एक्टिव हो, चाहे वो टिकटॉक हुआ चाहे वो वीगो हुआ? सोशल मीडिया पे मैं इंस्टाग्राम में हूँ और टिकटॉक पे भी हूँ। अभी जस्ट मिस्टर महाराष्ट्र से मैं सिलेक्ट भी हुआ, मिस्टर इंडिया में मिस्टर महाराष्ट्र से सिलेक्ट हुआ, मिस्टर इंडिया के लिए फाइनल राउंड में गया और कर रहा है आज अभी शुरुआत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा हूँ मुंबई में, तो अच्छा है। और हमारी जो दबंग हरियाणा प्लस कलाम, देखते क्या मिलता है इसमें, मचाएंगे दबंग जो भी मिले। आपका परिचय और किस तरह की क्या शुभकामनाएं? पहले तो मैं सबको नमस्ते, मैं ममता वर्मा, एक्चुअली मैं एक आर्टिस्ट हूँ और ऐसा मैं यहाँ पे, पहले तो मैं यहाँ के प्रोड्यूसर पवन जी को और यहाँ के पूरे टीम को पहले तो दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और यहाँ की जो मूवी है, जो आज यहाँ की मूर्त, ओके, आज की मूर्त बहुत ही अच्छी रही और कोई मतलब ऐसा कोई ये नहीं आया। बट मैं यही जान, मतलब कैसा हम अभी, मेरा कहने का मतलब है इसमें कुछ अभी ये नहीं है कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, अभी तो जस्ट शुरुआत है। वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिसका जो रहेगा कौन क्या करेगा बाद में देखा जाएगा। फिलहाल यहाँ पे जितने भी लोग हैं, टीम है, जिनसे भी मैं मिली, जिनके बारे में भी जानी, एक्चुअली सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि एक्चुअली ये जो फिल्म है सलामी कलाम, कहीं ना कहीं APJ अब्दुल कलाम के बारे में अगर दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं मूवी बहुत ही अच्छी जाएगी, स्टोरी भी बहुत अच्छी है और यहाँ के कलाकार भी बहुत सारे अच्छे हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूँ इंटरव्यू के जरिए। और दूसरी मूवी का तो आई डोंट नो, बट देखा जाएगा, बट मैं दिल से सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ बस। मैं अर्पणा चतुर्वेदी, यहाँ के सभी
क्या बताऊँ, सब लोग ये एक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी मतलब मातृभाषा होती है, जरूरी होता है। जो भी कलाकार होंगे अगर हम लोग का मौका मिला तो अपना अच्छा से अच्छा मतलब जो भी काम होगा आगे मैं क्या बोलूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं इस फिल्मों के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि आज 31st है और आज इन्होंने दो दो फिल्में लॉन्च कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, दिल से बधाई दे रहा हूँ। सर आप बताएं आपका नाम और क्या शुभकामनाएं हैं पीके जी के। जी मेरा नाम विजय पांडे, मैं एक्टर विजय पांडे और मैं ट्विन वन हूँ, बोलते हैं ना टू इन वन, मैं एज ए एक्टर एज ए मेकअप आर्टिस्ट टू इन वन। सबसे पहले प्रथम मैं सर जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इनके जरिए आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और आज दो दो मूवी की मुहूर्त हुई है और बहुत अच्छी स्टोरी है, क्योंकि सर के साथ में हम लोग काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं और काफ़ी दिन से इस विषय पर चर्चा चल रही थी सर से, और सर भी लगे हुए थे, हम लोग भी लगे हुए थे, और आज वो पड़ा वो मौका आया कि जो हम लोग इस जगह पर एकत्रित हुए और इसको जो बोलते पहला कदम, तो वो हम लोगों ने रखा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ, माता रानी की कामना करता हूँ कि माता रानी बहुत अच्छे से ये फिल्म शूट होगी और बहुत आगे तक जाएगी, और इस चीज़ के लिए सर को मैं सर को और बाकी तमाम अपने सभी कलाकारों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ एंड मैं मुंबई स्ट्रगल के लिए आई हूँ, आर्टिस्ट हूँ मैं भी, एंड इस मूवी के लिए दोनों के लिए मैं बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि मूवी बहुत अच्छे से फेमस हो, एंड सर को भी बहुत बहुत बधाइयाँ कि दोनों मूवी एक साथ लॉन्च हो रहा है। थैंक यू। माय नेम इज़ आदित्य गुप्ता एंड आई एम स्टेइंग इन गोरेगांव वेस्ट, एंड बहुत बहुत बधाइयाँ सर, ने नया साल चालू हो रहा है और नए साल पे इन्होंने बहुत अच्छी मुहूर्त पे चालू किया, एंड आने वाले समय में इनको बेस्ट विशेस फॉर एंड गॉड ब्लेसेस पीके सर एंड एक्टर अब्दुल सर के लिए, गॉड ब्लेस जुबे सर। माय नेम इज़ कॉमिक खींची, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रगलिंग के लिए आया हूँ, जैसे कि हमें करण सर के थ्रू आया यहाँ पे, और हमें मतलब दबंग हरियाणा और सलाम टाइटल बहुत अच्छा है, और ऐसा लगता है कि मूवी बहुत ज़्यादा हिट हो जाएगी, और मौका मिला तो हम भी इसमें काम करेंगे, और पीके शर्मा सर को और मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मैं दो डायरेक्टर बैठे हुए हैं, सलामे कलाम और दबंग हरियाणा, तो सबसे पहले मैं जुबेर जी से जानना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे। जुबेर जी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है एज ए एक्टर एज ए डायरेक्टर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एज ए एक्टर तो कम जिम्मेदारी होती है, लेकिन एज ए डायरेक्टर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और खासकर तब जब जो है खुद एक्टर हो और खुद डायरेक्टर हो, तब ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, और कोशिश है कि अच्छा से अच्छा कर सकूं, क्योंकि मैं प्रूव कर चुका हूं पहले भी एज ए डायरेक्टर, एज ए हीरो, एज ए प्रोड्यूसर, मैंने एक फिल्म बना के प्रूव किया और रिलीज़ किया, और कोशिश यही कि अच्छा से अच्छा प्रोजेक्ट बना के प्रजेंट करूँ, और ये सब श्रेय जाता है पीके जी को, जो 6 महीने पहले हम लोगों की मुलाकात हुई थी, इन्होंने हमें बताया और हम लोग फिर जुड़े आपस में। हाँ, भरोसा पूरा है इनके ऊपर और मैं उम्मीद करूँगा कि ये मेरे भरोसे पे खरा उतर। मैंने ये नई टीम गठित की है और इनका काम भी देखा है मैंने, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदी में ही देखने को मिले, कलाकार की कलाकारी अलग ही दिखाई दे जाती है, तो मैंने इनका काम देखा है तो जिम्मेदारी दी है। अमिताभ जी, आप क्या कहेंगे, कितना चैलेंज है आपको जुबेर जी के साथ? सर, जुबेर जी और मेरा दोस्ताना अच्छा है, तो चैलेंज तो हम दोनों में है ही नहीं, और हम दोनों अच्छे मित्र हैं, डायरेक्टर बाद में है और एक्टर बाद में है, और सबसे पहले तो मैं जीवन मोशन पिक्चर्स और हमारे प्रोड्यूसर पीके शर्मा जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम दोनों को दी है, हम दोनों भाइयों को दी है। हाँ, और हम मैं और जुबेर जी पहले भी फिल्म कर चुके हैं और बड़े मज़े के साथ हमने काम किया है, और हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है, आप सोच सकते हो कि एक डायरेक्टर होकर के इन्होंने मुझे
दबंग हरियाणा के लिए कास्ट किया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो दिल से धन्यवाद जुबेर जी को। और कुछ कहना चाहेंगे सर? एक बात बताना भूल गया मैं। पी के शर्मा जी और हमारा जो है कुछ आने वाले समय में कुछ प्लान है इस फिल्म के सिवा। जीवन मोशन पिक्चर और रैना फिल्म्स जो मेरी कंपनी है, हम दोनों कंबाइंड होके यहाँ पे नाला सुपारा वसई बिरार जैसे क्षेत्र में हम लोग एक बड़े लेवल का एक्टिंग स्कूल स्टार्ट करने का प्लान है, जो बहुत जल्दी हम लोग शो करेंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद कोशिश यही है, क्योंकि प्रोजेक्ट है तो पहले इसको, बाद में प्लानिंग है बहुत अच्छा करने का। क्योंकि मैंने देखा है पीके जी ने जो है बहुत सारे लोगों को मौका दिया है और मौका देते रहे हैं और कई अच्छी चीज़ें मार्केट में बोलते हैं। और मैंने भी जो है बहुत, क्योंकि मैं भी नया था कभी और बहुत स्ट्रगल किया हूँ तो आज काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि नए लोग को काम मिले ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पुराने तो पुराने हैं, उनको काम की ज़रूरत नहीं है, नए को काम की ज़रूरत है, तो नए को काम मिलना चाहिए। बस यही प्लान है। हाँ, ये हमारी पूरी प्लानिंग है, ये प्रोजेक्ट के बाद हमारा एक्टिंग स्कूल बहुत जल्द चालू कर देंगे। सर आप कुछ कहें? मैं बस अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, अपने यानी कि वही हमारे कहा जाता है ना कि अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते, तो हमेशा जैसे अपना प्यार देते आए हैं वैसे ही हमारी पूरी टीम को प्यार दे, हमारे प्रोड्यूसर, हमारे एक्टर, सबको अपना प्यार दे और सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।